पूजनीय सन्यासी एंड ऑल वैष्णव वैष्णवी मदर सिस्टर्स प्लीज एवरीवन एक्सेप्ट ब्रदर प्रणाम। सो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है जो हम लोग प्रातः काल सुश्रीमान भक्ति सिंह रूप सिद्धांत महाराज जी के आविर्भाव तिथि पर पुष्पांजलि और कुछ कथाएं हुई हैं, उसके साथ साथ हम लोग आज परिक्रमा में गए और परिक्रमा में भी बहुत सुंदर सुंदर स्थानों का दर्शन हुआ। किलोर कुंड, गुआल पोखरा, श्याम तलैया, रत्न वेदी, चरण चिन्ह, उसके बाद हम लोग गए नारद कुंड। इस प्रकार उन सभी स्थानों में बहुत सी कथाएं हुई, वैष्णवों ने बड़े सुंदर रूप से कथाओं को प्रस्तुत किया। अभी हम फिर से दोहराते हैं जो कि हमारे परम पूज्य उपास्य शिष्य भक्ति विदान सिद्धर महाराज, उन्होंने प्रातः काल गुरु जी के विषय में वर्णन नहीं किया था, तो अभी मैं निवेदन करता हूँ वे उस विषय में वर्णन करें जो आज उनके से भक्त शिष्य व भक्त से गुरु सिद्धांत महाराज के आविर्भाव तिथि का उस विषय में कुछ प्रकाश करें। और एक कंडन कीर्तन यहाँ वो सामने आए यहाँ प्रभुपाद का जितने ग्रंथ थे ये सब के सब श्री
बात के सबके सब गोलोक वृंदावन से ही इसी जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार करने के लिए इसी जगत में ये सबके सब आए हुए हैं। इसलिए उसी कड़ी में मेरे गुरुपाद रत्न भी ये एक हैं। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी के आचार्य नगराती का सर्वत्र प्रचार है वे करना। यदि जो भविष्यवाणी है यदि इसको संपूर्ण रूप में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी स्वरूपा ये वाणी को पूर्ण रूप में साधन कर दिया है। इसलिए उसी गर्भ में हमारे गुरुपाद गोस्वामी उसमें ये एक है। कहते इनका जो जन्म है कहते ये पूर्व बंगाल से वैशाल है। इसलिए अक्सर करके प्रभुपाद के इतने गर्व है श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति माधव गोस्वामी महाराज महाप्रभु पूर्व बंगाल में कभी महाप्रभु गए। इसलिए महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद है। इसलिए उसको दूसरा वृंदावन बताया गया। हर घर में भगवत पूजा हर घर में भगवत विशेष करके पूर्व बंगाल का लोगों में भक्ति की विशेष विशेष भावना को देखने को मिलता है। इसलिए मेरे गुरुपाद भी उनका जन्म वहीं पर गुरुदेव का जन्म है। अभी आप लोगों ने सबरे श्रवण किया मेरे गुरुपाद कैसे आए। इसलिए हमारे गुरुजी जो जन्म हुए बहुत बड़े जमींदार घर के ये बच्चे थे और उसी समय कभी हमारे श्री भारती महाराज कभी उधर प्रचार करने के लिए गए और बचपन में स्वाभाविक रूप में इनका दिल में भगवान का चरण में अनुराग था। एक लीडर था एक पार्टी थी जिसका लीडर मेरे गुरुजी थे। वो जो पार्टी तले से जो पढ़ रहे थे हमारे गुरुजी तले में वहाँ पर हम लोगों को बता विवेकानंद को सबसे बड़ी साधु मानते हमारे देश में। इसलिए वहाँ पर एक पार्टी था जिसमें लीडर हमारे गुरु जी थे। उन लोगों ने कलेज में सुना कोई एक साधु धर्म प्रचार करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने बोले बोलिए साधु को इधर बुला जाए और गुरु जी बोले कोई बात नहीं उनको बुलाओ। जब भारती महाराज अपना परिक्रमा के साथ में आए थे ब्रह्मचारी सन्यास के साथ में और उन्होंने एक घंटा उन्होंने बड़े सुंदर रूप में उन्होंने हरी कथा में बोले और हरी कथा के बाद में उन्होंने जैसे हमारे भक्त लोग जैसे उधर में नृत्य कीर्तन करते हैं वृंदावन के काल के साथ में फिर एक साथ में पहले गोपीनाथ मामा ने वेद रस सुना। इसी कीर्तन को श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज स्वयं कीर्तन किए और भक्तों के साथ में जब उन्होंने उधर में नृत्य कीर्तन किया और भारत महाराज का जो कथा बड़ा मधुर बड़ा मीठा कथा था और उसको साथ में कीर्तन मेरे गुरु जी कहते हैं मैंने जब ये संत लोगों का कथा कीर्तन का दर्शन किया और भारत महाराज इतने लंबे चौड़े थे इतने जितने लगता जितने प्रभुपाल का गए थे इतने कोई लंबे लंबे चौड़े कोई थे नहीं। उनका दर्शन पवित्र कर एक मार्ग हो कहते भाई पहले दर्शन धारी फिर गुण विचारी पहले दर्शन उसके बाद में फिर गुण को विचार करनी चाहिए इस स्वाभाविक रूप पर बता दे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं उसको देख करके मैं पागल हो गया मतलब मेरे को घर नहीं जाना तो ये संतों के साथ में मेरे को संत बन करके जाना है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं किसी तरह से मैं अपना जन्म वापस ले आया रात को भी रात भर नींद नहीं आया ये संतों का चिंता करते करते फिर दूसरा दिन मैंने फिर आकर के पूछा इनको अगर मैं तुम लोगों को साथ में साधु बनना चाहता हूँ मेरे को क्या साथ में ले चलोगे क्योंकि ये तो बच्चों को पकड़ने वाले साधु हैं और इसलिए आते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए अरे हाँ हम ले चलेंगे। जब मेरे गुरु जी जाने के लिए तैयार हुए वो जमींदार कह गए हमारे गुरु जी थे हम लोगों को पता है भारत में अगर एक बच्चा अगर साधु बनना कितना कठिन है। हाँ इसलिए सभी ने जीवन पर देखने को मिलता है
जब इनको पिताजी को पता चला ये मेरे बेटा साधु प्रतिकृति करना चाहते नहीं, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया कि बाबा लोग सांस आए और मेरा बच्चा का खोपड़ी खराब करके और इनको पकड़ कर दिया। अभी जब हमारे गुरु जी इनके साथ में जाने के लिए तैयार किए, वहां पर एक नदी था पार होने के लिए, पहले से ही पुलिस आ गई, आकर के वो जाना चाह रहे थे तो जबरदस्ती लेकर के इनको घर वापस ले गए। जब इनको वापस ले गए हमारे गुरु जी को जीवन कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन को साथ में कुछ मिलता जुलता है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जाना चाहते थे और जमींदार रहने लगे थे और उनको जैसे बाहर तक लगा दिया, मेरे गुरु जी को जमीन तीन चार गाँव गाँव पहुंचाकर वो जमींदार घर थे पेशाब करने के लिए जाए तब भी और पैखाना करने के लिए जाए तब भी, कहीं जाए उनको अकेले नहीं छोड़ते, ये फिर भी भाग नहीं जाए घर छोड़ करके। मेरे गुरु जी ने देखा है तो बहुत गड़बड़ी, इसलिए क्या किया जाए। मेरे गुरु जी उस दिन भक्तों के साथ में रह चुके थे, इसलिए चोटी रख लिया था, गला में तुलसी कंठी लगा लिया था। गुरु जी ने देखा लगता है कहना बहुत कठिन है, ऐसे मेरे को छोड़ेंगे। गुरु जी ने क्या किया, गला से कंठी को उतार दिया, अपना चोटी को काट दिया, हाथ में लोगों ने नाटक किया, बोले पिताजी पता नहीं ये बाबा लोग कहाँ से आ गए, मेरे गुरु को गिरा दिया, ये बेटा भजन भजन कुछ नहीं है, थोड़ा भजन भजन चल रहा। उन्होंने एकदम साधारण देश से एकदम बन गए, उनको लगा हमारा बेटा अभी सही हो गया। एक दिन गुरु जी ने कहा सर बड़े दिन हो गया बहन के घर में गया नहीं है, इसलिए मेरे साथ बहन को घर में जाने दो, और सचमुच से इसको बड़े दिन हो गया कहीं जाने नहीं दे रहे। उनका आदेश दिया सुभाष पहले से संतों का आदर से लेकर रखे थे, फिर गुरुदेव गए तो गए, बहन घर का बहाना भर में गए तो गए, फिर जब पता लगा कहीं घर में आया नहीं फिर तो हई हुला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर जब वो प्रभुपाद के चरण में माया अपनी सीधा आ गए, आ करके फिर प्रभुपाद का चरण में रहे, रह करके हमारे जो गुरु जी की ये गौड़ीय पत्रिका में जिनका कुछ सेवा लिखा हुआ है, फिर हमारे गुरु जी विशेष करके भक्तों को सेवा भी, जब परिक्रमा जाता था जैसे ब्रजों ने परिक्रमा करी, गुरुदेव परिक्रमा को इतने महत्व देते थे उससे ज्यादा उन्होंने भक्त सेवा को महत्व देते थे, किस भक्त का क्या असली था क्या अच्छा, ये सब चीज को गुरु जी को गौड़ीय पत्रिका में लिखा हुआ है। इसलिए सब भक्तियों की उनको पता है हम भजन करते थे जो हमें लाभ मिलेगा अगर हम भक्तों का सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा को बड़ा भेवा मिलता है। इसलिए गुरु जी सब वैष्णव का विशेषकर सब वैष्णव का सेवा करते थे, कई मामिका में जाते थे सब भक्त लोग का सेवा करते थे, क्योंकि भक्तों का अगर हृदय से भक्त लोग जैसे आशीर्वाद करे, जैसे नारद जी का जीवन में दिखाया, नारद जी व्यास देव को कह रहे हैं व्यास देव इतने जल्दी से जल्दी मुझे भगवत भक्ति मिला कैसे, बोले केवल एक वस्तु द्वारा, बोले क्या, बोले केवल संत की सेवा से, केवल भक्तों का सेवा से इतने जल्दी मेरे को भगवत भक्ति प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे गुरु जी हमारे गुरु जी को सिंह स्वरूप को बोले
तुम कुछ हरी कथा बोलो, हमारा गुरु जी तो खड़े हो गए थे दुनिया में जिनको बड़ी राम कृष्ण का नाम से होंगे, हमारे देश में बंगला में राम कहते जो जय राम जय कृष्ण कली युग राम कृष्ण, मतलब जो राम वही कृष्ण है और कली युग में राम कृष्ण दोनों मिलकर के ये राम कृष्ण रूप में आए। और जो विवेकानंद को पृथ्वी में सबसे बड़ा साधु कहिए विवेकानंद है, हाँ इसलिए रविंद्रनाथ टाइगर है इसको कहते हैं, इसलिए इन लोगों का जगह से बड़े बड़े नाम इन लोगों का है, लेकिन मेरे गुरुदेव सीधा खड़े होकर के राम कृष्ण का नाम को तो बोले ये राम कृष्ण नहीं ये राम छागल है, मतलब ये बकरी है, हाँ जो सीधा बोले तो ये राम छागल है, क्योंकि राम कृष्ण का जो मत है कहते जंतो मत तत्व पर, जितने मत है उतना पर है, हाँ जो जो कुछ क्यों नहीं करे वो सबके सब एक जगह में पहुंचेंगे। वो उदाहरण देते थे जैसे अगर ज्यादा आकाश पर ऊपर चले जाओ सबके सब नीचे देखो तो सबके साथ बराबर सबके सब दिखता है, इसलिए और नर ही नारायण है, जब भगवान को कहा ढूंढ रहे हो भगवान और कहीं नहीं, इसलिए जब भगवान का नर ही तो नारायण रूप में नारायण नर रूप में आए थे इंसान रूप में नारायण आए उनका ये तिलक सभी है हाँ सब गौर के समुख है तुम्हार छाई तथा छात खोजे से ईश्वर जीवन प्रेम करे जन से जन से उसे ईश्वर ये तीन का ये फिलोसफी है जो जीव को सेवा करते हैं हाँ वो प्रेम करते हैं वो भगवान को प्रेम करते हैं इसलिए नर ही नारायण है इनका ये फिलोसफी है इसलिए दरिद्र नारायण। और जो विवेकानंद को सबसे बड़े साधु मानते हैं लेकिन हमारे गुरुदेव ने खोल दिया ये विवेकानंद ये विवेकानंद है इसका इसका और प्रेतुकानंद है इसका कोई बुद्धि बुद्धि नहीं था गुरुदेव ऐसे ऐसे शब्दों को उन्हें खड़े होकर के उन्होंने बोल दिया जब उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों को बोला जिनको जगत में भगवान मानते हैं जगत में बड़े साधु मानते हैं वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे वो सबसे सब जूता और ईंट पत्थर उठाने को मारने लगे बोले सब साधु कहां से होगी सब आ गए सबके सब वहां पर हाई होला हो गया हाँ और सबके सब छोड़कर भागे वहां से और दूसरे दिन पत्रिका में निकल आया कि गौड़ीय मठ साधु लोग आकर के ऐसे ऐसे संस्कार किया और वहां पर जो इतने भी महाराज थे जिनको साथ में गए हुए थे उन्होंने प्रभुपाद को पास में टेलीग्राम भेज दिया बोले प्रभुपाद के सिद्ध स्वरूप ने यहाँ पर पूरा सारे प्रचार को यहाँ पर विराज दिया इसे लोग भिक्षा क्या देंगे लोग सब के सब निंदा कर रहे हैं हमारे गौड़ीय मठ को प्रभुपाद सुन करके और बहुत खुश हुए बोले सिद्ध स्वरूप ने पूरा 1,00,000 रुपया का प्रचार कर दिया उसमें 1,00,000 रुपया का बहुत कीमत की थी प्रसिद्ध स्वरूप ने 1,00,000 रुपया का प्रचार करा कर दिया प्रभुपाद ने खबर भेजा अगर तुम लोग मेरे बात को 25% और अपना बात को 75% बोलते हो इसलिए तुम लोग को जो भिक्षा मिलता है अगर मेरे बात को तुम लोग बोलोगे तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगा इसलिए सिद्ध स्वरूप ने पूरा के पूरा मेरी बात को उन्होंने पूरा पूरा सही बोल दिया कोई चिंता मत करो मैं कल आ रहा हूं फिर प्रभुपाद दूसरे दिन में प्रभुपाद आए आकर के फिर सारे जितने लोग आए जिसमें फिर दोबारा बुला तो आप लोग सब के सब आइए हम विचार करेंगे ये ब्रह्मचारी उन्होंने ऐसे क्यों बोला फिर दूसरे दिन में बुलाए बुला करके फिर मेरे गुरुदेव को घेर करेंगे क्योंकि पहले मेरे गुरुदेव को विवेकानंद पाटिका में लेते थे कलेज में और पूरा रामकृष्ण का उनका चरित्र की ग्रंथ है जिसको गुरुदेव पूरा पढ़े हुए थे उसको बाद में जब गोविंद में आए जब प्रभुपाद का अनुगत कर उन्होंने सारे ग्रंथ शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया फिर तुलना उस रूप में उन्होंने विचार करके देखा सचमुच से विकार आदमी सबके समझे कि धर्म का नाम अधर्म प्रचार कर रहे फिर वो अपने गुरुदेव को जब उन्होंने खड़े किए बोले देखो ये राम मैंने ये राम कृष्ण को मैंने राम छागल क्यों बोला मतलब बकरी है छागल मतलब बकरी तो बकरा का आप देखना सिर्फ हर बात में ऐसे करना है
ऐसे करता है। इसलिए इसका जो मतवाद है जंतु मात्र तत्वों का, जितना मत है उतना बल है, जो जो कुछ नहीं करे वो सबके सब एक कारण पहुंचेगी। मैं गुरुदेव ने कहा आप लोग सबसे कोई हिंदू हो, हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ है ये भगवत गीता है। आप भगवत गीता को आप लोग देखिए, कृष्ण कहां गीता में बोले जो कुछ पर एक जगह पहुंचेगा है। कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं बोले जाति देव प्रजा देवा पितृ जाति पृथ्वि का और कृष्ण गीता में कहते थे आत्मा को गुहरा गुजरा करके ब्रह्म लोक पहुंचे तो पुण्य समाप्त और स्वर्ग रूप पतन होता है। केवल जो गरीब भक्ति करने वाले जो उनका ही पतन नहीं होता है। कृष्ण कहाँ बताए जो कुछ पर एक जगह में कहा भगवान ने बताए। और चंतो मात्र तत्व पर जितने मात्र उतना ही पद है। पहले हमारा शास्त्र में कहा है सब जिस युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने जब उन्होंने प्रश्न किया बोले का पद था, बोले पद क्या है, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वेदा विभिन्ना स्मृत विभिन्ना नासो मनिन जस बदब न भिन्ना धर्म से तत्व लीन कुआया महाजन जीना गदर सफल था। कत अलग अलग धर्म है, अलग अलग साधु है, अलग अलग मतवाद है, ऐसे कोई साधु की निशा मतवाद अलग नहीं, लेकिन महाजन जीना गदर सफल था। महाजन जिस मार्ग को अपनाया वही असली मार्ग है। हमारा शास्त्र कहा बताया जितना मर्द उतना पद है, कहा बताया कि सब के सब ये हमारी गीता के विरुद्ध ही जो बात करना है कि राम कृष्ण है। और इसने बताया नर ही नारायण है, बोले कहां भगवान को ढूंढ रहे हो, नर ही नारायण है, बोले नर कैसे नारायण हो सकता है, कहां नारायण वैकुंठ का अधिपति स्वर्ण ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। और जो जीव है वो कर्म फल से बाध्य होकर के ये संसार को घटक रही थी। शास्त्र ने बताया अगर शंकर ब्रह्मा जी को साथ में अगर भगवान कोई बराबर कर दे तो सब पाखंड भवे तो आपको पाखंड ही है। जो शंकर ब्रह्मा जी को साथ में भगवान कृष्ण को अगर बराबर कोई बोल दे वो पाखंड बताया गया। और कहां भगवान नारायण कृष्ण और उनको ये जीव को साथ में बराबर तुम लोग कर रहे हो, ये कौन सा शास्त्र में बताएंगे। गुरुदेव एक एक बात को उठा उठा करके उसका तो फिलोसफी खंडन किया। और राम कृष्ण ने उदाहरण दिया दिया कहते से आकाश ऊपर चले जाओ नीचे देखो तो क्या दिख रहा है, सब बराबर, कहते सब कुछ गलत है, ये सब बराबर हो जाता है। हमारा दृष्टि शक्ति के अभाव से हम ऊपर जाने पर जब हम नीचे देखते हैं हमारा दृष्टि शक्ति हमारा इतना शक्ति नहीं देखने में, इसलिए बराबर दिक्कत भी बराबर हो जाता है। पेड़ पौधा जितना इंसान सब एक ही थोड़ी हो जाते हैं, हम तो दिखता नहीं सही रूप में, ये दृष्टि शक्ति के अभाव है। बोले राम कृष्ण ने हमारे विवेकानंद सबसे सब कहते इसने बहुत बड़ा प्रचार किया जो विदेश में गया और उन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को प्रचार किया, बोले कोई धर्म का प्रचार नहीं किया। ये विवेकानंद ने बताया बोले ये तुलसी पेड़ पे पानी देकर क्या होगा, ये तो बेकार है, अरे पानी देना तो बेगल का पेड़ पे पानी दो तो जिसमें फल फलेगा, और ये तुलसी देखा तो देगा ही नहीं, इसलिए तुलसी में पानी देकर क्या होगा। यदि ये इसका फिलोसफी जो तुलसी को भगवान जब इसी जगह से छोड़ कर गए भगवान अपना स्वरूप को ये तुलसी में क्यों रख कर गए, ये तुलसी साक्षात भगवत स्वरूप है, ये भगवान की शक्ति जिसको वृंदा आई तुलसी देव भई प्रिया आई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्य बतई नम नम भक्त्या विहीन अपराध लक्षई हिता सीता माहि तरक बसई कृपा मई पाम शरण करना नमस्ते शरणार्थी। ये तुलसी भगवत स्वरूप तुलसी है, जीव को भगवत भक्ति देने के लिए आए और भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्ति से जीव का परम कल्याण है।
लेकिन उसने क्या कहा, क्या पुलिस पानी दे रहे हो हमारी जिस गीता को अध्ययन करने पर भगवत प्राप्ति प्राप्ति कर सकता है, लेकिन वो कहता है गीता परीक्षा फुटबॉल करो, ये हमारी कोई संस्कृति है कि कोई अपराधिक इसलिए शास्त्र में उनको निराकार बताया, जिनका कोई प्राकृतिक गुण नहीं, उन्होंने जहाँ करके विदेश में हमारे संस्कृत में प्रचार के संस्कृत को थोड़ा से लग गया और वहां जाकर क्या किया, एक निवेदिता को एक लड़की थी उसको लेकर के आ गया, उधर से विदेश से लेकर के आया लड़की को, इसलिए वो हमारे कोई संस्कृत को उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने ऐसे ऐसे उनको बात को उन्होंने ऐसे ऐसे बेला भागवत से लेकर खंडन किया, सचमुच से जितने लोग बैठे हुए थे और सबके सब आश्चर्य हो गए, बात सही बता रहे हैं, ये तो विवेकानंद और रामकृष्ण हर देश को ध्वंस कर दिया, सबके सब प्रसन्न होकर के सबके सब ताली बजाए गुरु जी का हरि कथा सुन, सब ताली बजाए गुरु जी, अपना संप्रदाय को भी टीका होनी चाहिए। दूसरा ग्रंथ बताया उपनिषद,
और जो तीसरा ग्रंथ है यदि ये वेदांत सूत्र है, यदि ये तीनों ग्रंथों को पढ़ने अगर किसका टीका नहीं हो उसको कोई वैष्णव संप्रदाय को नहीं माना जाता है। इसलिए हमारा संप्रदाय में हम लोग महाप्रभु धारा में आए, इसलिए महाप्रभु का मत अनुरूप कोई हमारा संप्रदाय का कोई इसी तीनों ग्रंथ में कोई अपना भाष्य होनी चाहिए। तो भक्ति गुरुदेव स्वामी महाराज मेरे बहुत बिगाड़ते, पहले मैंने कोशिश किया था लेकिन थोड़ी बहुत से निकाला लेकिन मैं एकदम सैटिस्फाई नहीं था, उसमें संतुष्ट नहीं था। लेकिन बाद में हाँ कहते बाद में मेरे गुरुवार व्रत बने तब ये तीनों ग्रंथों को ऊपर में हर गुरुदेव भाष्य और लिखे अद्भुत भाष्य है, जिसको देख करके भक्ति विलास देखो गोसाई महाराज उसमें जितने जितने थे वो लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, हाँ बड़े प्रसन्न। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं इसी विषय पर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसी विषय इसी तीनों ग्रंथ को पढ़े शंकराचार्य का भी इसको पर तीनों का बड़ा भाष्य है शंकराचार्य का। और ये तीनों ग्रंथ में कहते जो दूसरे दूसरे जो दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग तीनों ग्रंथों के ऊपर में जो भाष्य किया है यदि यहाँ पर यहाँ तक उन लोगों ने दिखाया शांत और दास्य रस में ही लोगों ने दिखाया कि वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, लेकिन हमारे श्री बलदेव विद्यावर सुन प्रभु ये भाष्य के ऊपर उन्होंने श्रृंगार रस में दिखाया और मेरे गुरुपाद ब्रह्म उसी को आधार बना करके इसके ऊपर अद्भुत उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर में चार उन्होंने ग्रंथ लिखे जिसको हमारे महाराज जी भी ये वेदांत सूत्र को